अरे खाना कहाँ गायब हो गया? करते रहते हो इनको हमेशा, क्यों इनका सारा खाना खा गए? क्षमा करना माँ, फिर से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर अगली बार नहीं। मैं अभी और खाना भेजती हूँ तुम सबके लिए। भूख लगी है, कुछ सोचना पड़ेगा। खाना स्वादिष्ट था। मेरा पेट तो भर गया, अब तुम सब आराम से अपना खाना खा लो। ये क्या हो रहा है? ये तो व्योमासुर है। इसका इतना साहस कि इसने कैलाश पे आक्रमण किया? माँ, भोलेनाथ भी नहीं है, वो तो गुफा में ध्यान लगाकर बैठे हैं। गणेश, कहाँ है वो? माँ, प्रभु तो अंदर है। बालक, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे पता है भोलेनाथ ध्यान मुद्रा में है। अब मैं कैलाश पे अपना राज स्थापित करूंगा। दूर हट जा यहाँ से। तू तो एकदम छोटा है, छोटा, इतना सा मेरे सामने, तू क्या मुझे मारेगा? मारेगा मुझे? ले मार, मारना। मेरी चाहे तू मुझे मार। क्या हुआ, क्या हुआ? व्योमा, तू तो गया। व्योमा सुर, मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं, तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है, तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। लगी है? चलो, मैंने मोदक बनाए हैं। मोदक? नहीं माँ, प्रभु सब खा जाएंगे और हम सब फिर से भूखे रह जाएंगे।
अति स्वादिष्ट। धन्यवाद नंदी जी। हाँ अगम, सही कहा। मूषक, अब तुम आराम करो, बाकी सब काम हम पर छोड़ दो। ये तो कमाल हो गया, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। भूकंप? पर ये धरती तो अचल है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे बेटा गणेश, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं हुआ माँ, हम सब ठीक है, पर यहाँ तो भूकंप होना नामुमकिन ही है। ये कैसे हुआ? बेटा तुम्हारे पिताश्री और मैं यहाँ पर बैठे थे और अचानक से धरती हिलने लगी। प्रभु ने जब ध्यान लगा के देखा तो पता चला कि राक्षस राजा रावण कैलाश को उठाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनके सबसे प्यारे भक्त ने ये दुष्कर्म किया तो उन्हें सबक सिखाने के लिए प्रभु ने अपने अंगूठे से कैलाश को स्थिर कर दिया। और अब राक्षस राजा रावण का क्या होगा? नमः शिवाय। माँ कर दीजिए भोलेनाथ, मेरे अहंकार की वजह से आप मुझसे नाराज हो गए। रावण, तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना होगा, परंतु तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। भोलेनाथ, मैंने ये सब सिर्फ आपके दर्शन पाने के लिए किया। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? भोलेनाथ, मैं तो बस आप ही के जैसे शक्तिशाली होना चाहता हूँ। सच्चे भक्त भगवान के दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटते। तथास्तु। ये लो राक्षस राजा रावण, आज मैं अपनी सारी शक्ति का स्रोत तुम्हें सौंपता हूँ, किंतु एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त भोलेनाथ? एक बार जब तुमने आत्मलिंग उठा लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे नीचे नहीं रख सकते। जब तक कि तुम अपने अंतिम स्थान पर पहुंच ना जाओ। अगर तुमने आत्मलिंग को नीचे रख दिया तो उसे वापस उठाना असंभव हो जाएगा राजा राम। आत्मलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा और तुम उसकी शक्ति का उपयोग भी हमेशा के लिए खो दोगे। जय शिव शंकर, आपने मेरी इच्छा पूरी करके मेरी भक्ति और भी गहरी कर दी। अब जब राक्षस राजा रावण ने आत्मलिंग को प्राप्त कर लिया है तो उन्हें हराना असंभव हो जाएगा। सही कहा नंदी, हमें कुछ तो करना होगा। प्रभु, पर वे तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगम, सही कहा, और वो बहुत विद्वान भी हैं। तुम सब सही कह रहे हो, हमें एक योजना की जरूरत है। प्रभु, अब तक तो वे काफी दूर पहुंच गए होंगे, तो हमें जल्दी से निकलना होगा। चलें। चलो। अब तो मेरे पास आत्मलिंग है, अगर मैं सुबह शाम इसकी पूजा करूं, तो मैं और भी शक्तिशाली बन सकता हूं और इस दुनिया के तीनों लोक में राज कर सकता हूं। हमें कुछ भी करके रावण को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या चल रहा है? प्रभु, हमारे पास दो योजनाएं हैं। अच्छा, बताओ। हम एक बड़ी गुलेल बनाएंगे और उससे एक साथ बहुत सारे नारियल फेंकेंगे। नारियल रावण जी के हाथों पर गिरेंगे, रावण जी रोएंगे और दर्द के मारे उनके हाथों से आत्मलिंग गिर जाएगा। प्रभु, हमारी योजना इनसे अच्छी है। हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे
और उसे पत्तों से ढक देंगे। रावण जी जब पत्तों पे पैर रखेंगे तो आराम से गड्ढे में गिर जाएंगे और आत्मा लिंग भी गिर जाएगा। ये योजना तो, प्रभु आप निश्चिंत रहिए, हमारी योजना से हम अवश्य जीत जाएंगे। अब मेरे पास एक ही उपाय है। ओहो, शाम हो गई है और संध्या वंदन का समय भी हो गया है, पर उसके लिए आत्मलिंग को नीचे रखना होगा। नहीं नहीं, अगर इसे नीचे रख दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूं? सुनो बालक, मेरी संध्या वंदन का समय हो गया है, इसलिए तुम कुछ समय के लिए इस आत्मलिंग को पकड़ो। मैं तुरंत संध्या वंदन करके आता हूँ, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे उपहार दूंगा। श्रीमान, मुझे सूर्यास्त से पहले घर पहुँचना है, पर आपकी भक्ति देखकर मैं आपको ना नहीं कह सकता। धन्यवाद बालक, पर याद रखना इसे किसी भी हाल में नीचे नहीं रखना। परंतु ये काफी भारी है, अगर मैं इसे लंबे समय तक पकड़ ना सकूं तो? मेरे पास एक युक्ति है, मैं आपको 3 बार बुलाने की कोशिश करूंगा। अगर आप नहीं आ सके तो मुझे इस शिवलिंग को नीचे रखना होगा। ठीक है, मुझे ये स्वीकार है। जल्दी कीजिए श्रीमान, ये बहुत ज्यादा भारी है, मैं इसे नहीं पकड़ सकता, मुझे इसे नीचे रखना ही होगा। तुम कौन हो बालक? मैं हूँ शिव पुत्र बाल गणेश। क्या तुम मुझसे मेरा वरदान छीनने आए हो? हाँ, ताकि आप इसका दुरुपयोग ना कर सको। रावण, राक्षसों का राजा हूँ मैं, रावण, देवता भी डरते हैं मुझसे, मुझसे टक्कर लेने की कोई सोच भी नहीं सकता, और तुम एक छोटे से बालक मुझसे टक्कर लेना चाहते हो, मेरा वरदान छीनना चाहते हो? हाँ, क्यों नंदी, मूषक, हम यही करने वाले थे ना? बाल गणेश, तुम जानते नहीं मैं कितना शक्तिशाली हूँ, न शस्त्र से न विद्या से मुझे कोई नहीं हरा सकता, तुम भी नहीं। अरे ब्रिंगी, तुम्हें क्या लगता है मैं इन्हें हरा पाऊंगा? हाँ शायद या शायद नहीं, प्रभु आप इन्हें चुनौती दे तो पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। आहा, मुझे चुनौती स्वीकार है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे हारो, मेरी अंतर से यही इच्छा है कि तुम मुझसे हारो। अरे क्या हुआ? रावण जी आप तो गए। कितने मूर्ख है ये सब। राक्षस राजा रावण, मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ उनकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। आपने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। मेरी चुनौती है कि अगर आप केवल मेरे एक पैर को इस धरती से हटा सके तो मैं आपको आत्मलिंग लौटा दूंगा। इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो चुटकी में हो जाएगा। Thank you.
मुझे आपकी योजना का मतलब समझ में आया। प्रभु, आपकी हार में भी जीत है और मेरी जीत में भी हार है। पता नहीं ये दुष्ट लोग कब समझेंगे। इन्हें मारते मारते तो मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बाल गणेश, हमें भी जोर से भूख लगी है। तो चलो माँ के हाथ के बनाए हुए मोदक खाते हैं। अरे बाल गणेश, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब जल्दी जाओ और ये खीर मेरी प्यारी सखी लक्ष्मी जी को दे आओ। पर माँ, हमें भी बहुत भूख लगी है। वो सब बाद में, पहले इसे दे आओ। ठीक है माँ, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाने की व्यवस्था कीजिए। जी स्वामी। रुक जाइए माते। अरे बाल गणेश, क्या हुआ? तुम इतने दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? जी माते, सब ठीक है। वो माँ ने आपके लिए खीर भेजी है, इसलिए मैं दौड़ा चला आया। ये लीजिए। अब आज्ञा दे माता, मुझे जाना होगा। आयुष्मान भव। मेरी सखी पार्वती को हमारा आभार कहना। आप तो बड़े भाग्यवान हैं स्वामी, आपको भूख लगते ही खीर स्वयं चलकर आपके पास आ गई। आती कैसे नहीं लक्ष्मी, जिसके पास लक्ष्मी सौभाग्य है उसका। बात तो आपकी सही है। क्या हुआ लक्ष्मी, आज आप बहुत खुश दिख रही हैं। खुश होने की तो बात है स्वामी, धरती पर मेरा यश निरंतर बढ़ता जो जा रहा है। आजकल मानव सुख शांति की जगह मुझे मांग रहे हैं। वैसे अच्छा ही है, मेरा आशीर्वाद जिसके साथ हो वो ब्रह्मांड के सारे सुख पल भर में पा लेता है। लक्ष्मी की बातों में तो घमंड दिखाई दे रहा है। वैसे लक्ष्मी, यदि आपका दिया हुआ धन किसी को भी मनचाहा सुख देने के योग्य है, तो आप तो स्वयं धन की देवी हैं, फिर अब तक आप मातृत्व के सुख से वंचित क्यों हैं? वैसे खीर सच में बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाइए, आइए ना। हमें क्षमा करना लक्ष्मी, किंतु आपके इस घमंड के वृक्ष को अभी काटना जरूरी था। माते,
बिना किसी विलंब के मातृत्व का सुख भोगने का एक उपाय है मेरे पास। आप किसी बालक को गोद ले लीजिए। बालक को गोद ले लो? ये तुम क्या कह रहे हो शेषनाग? नहीं नहीं माती, वो मैं क्षमा क्षमा माती, भूल हो गई मुझसे। नहीं नहीं शेषनाग, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, बल्कि बल्कि तुमने तो बहुत उत्तम विचार दिया है। बालक गोद लेना ही सही रहेगा। कितना समय लगेगा इनको सबक सिखाने? घर जाके माँ के हाथ के मोदक खाने हैं। प्रभु बस हो ही गया, थोड़े जिद्दी हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। चलो चलो जल्दी, माँ ने मोदक बना के रखे होंगे। चलो। लक्ष्मी, हमें देखना होगा कि ऐसी कौन सी माता है जो अपनी संतान बिना किसी परेशानी के तुम्हें दे दे। मैं अभी इस कार्य का भार कार्तिकेय और बाल गणेश को सौंप देती हूँ। जैसा तुम्हें सही लगे। कार्तिकेय और बाल गणेश, सखी पार्वती, तुम्हारे दो पुत्र हैं, क्या तुम मुझे कार्तिकेय या गणेश में से किसी एक को नहीं दे सकती? ये तुम सखी, मेरी इस विनती को स्वीकार कर मुझे मातृत्वता का सुख दे दो। सखी लक्ष्मी, तुम जितना आसान समझ रही हो ये सब उतना आसान नहीं है। कार्तिकेय का असल रूप 6 मुख वाला है और वो हर मुख से भोजन करता है। उसका भोजन बनाते बनाते तुम थक कर हार जाओगे। तो फिर तुम मुझे बाल गणेश दे दो। बाल गणेश को रखना भी आसान नहीं है लक्ष्मी, वो बहुत बड़ा शैतान है, तुम्हें सारा दिन अपनी उंगली पर नचाता रहेगा। उसे संभालना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है लक्ष्मी। पार्वती, यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बाल गणेश की हर शैतानी को सहन कर लूंगी तो? सखी, तो क्या तुम मुझे बाल गणेश दे दोगी? प्रणाम लक्ष्मी माता। आयुष्मान भव बाल गणेश। आप मुझे अपना पुत्र कहकर संबोधित कर सकती है माते? अर्थात? मैंने और मेरे मित्रों ने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। तुम कहना क्या चाहते हो बाल गणेश? माँ, लक्ष्मी माँ मुझे अपना दत्तक पुत्र बनाकर मातृत्व का सुख पाना चाहती है। ये तो आपके पुत्र का सौभाग्य है माँ। इस प्रकार मुझे एक नहीं दो दो तेजस्वी माताओं की ममता का सुख भोगने का अवसर मिलेगा। बगम। प्रभु ये कह रहा है कि अगर आप बैकुंठ चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने मित्रों को छोड़कर नहीं जा सकते। हमसे आपका जाना सहन नहीं होगा। आपको ऐसा निर्णय लेने से पहले एक बार तो हमारे बारे में सोचना चाहिए था। बस 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 बगम बस, क्या ये सब अगम ने कहा? क्षमा प्रभु, उसने तो केवल पहला वाक्य बोला था, बाकी तो मैंने अपने मन की बात कही है। हाँ प्रभु, बगम ने सही कहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मित्रों, मेरे लिए क्या बैकुंठ और क्या कैलाश, मैं तो वहाँ रहकर भी सबके साथ ही रहूँगा और ये पक्की वाली बात है। पर लगता है तुम सब लोग तो मुझे भूलने की तैयारी में लगे हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु, हम तो आपके शरीर का अंग हैं,
हम कैसे आप... हाँ प्रभु, आपके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। रहने की सोचोगे तो भी मैं रहने नहीं दूंगा। तो माँ, क्या निर्णय है आपका? लक्ष्मी, एक माँ की जान उसके बच्चों में बसती है। अपने अलावा किसी और को बाल गणेश की माँ कहलाने का अधिकार देना मेरी कल्पना से बाहर है। किंतु फिर भी मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है पार्वती? जिस प्रकार मुझे दो दो पुत्रों की माँ होने का सुख मिला है, वैसा ही सुख मेरी सखी को भी मिलना चाहिए। क्या सच पार्वती? हाँ, हाँ सखी, मैं अपने बाल गणेश को आज से तुम्हारा दत्तक पुत्र घोषित करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत आभार सखी। तुम जैसी सखी और बाल गणेश जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें मेरी सभी व्यवस्थाएं और समृद्धि मिले। दीपावली के दिन या कोई भी पूजा, मुझे पूजने वाले को तुम्हें अवश्य पूजना होगा। तीनों लोकों में जो भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उससे कोसों दूर रहूंगी। सखी, निसंदेह तुमने बाल गणेश को मेरा पुत्र घोषित कर दिया है, किंतु इस संसार में तुम ही बाल गणेश की माँ कहलाओगी। माँ लक्ष्मी पार्वती की जय। बाल गणेश की जय। रुक जा मित्रों, तुम सब भूल गए क्या? हमें भूख लगी थी, इसलिए हम यहाँ दौड़ कर आए थे। अब जबकि लक्ष्मी जी भी मेरी माँ बन चुकी है, तो आज का भोजन इन्हें ही बनाना होगा। चलिए माते, जल्दी से मुझे 100 और इन सब के लिए भी 100-100 मोदक बना दीजिए। 100-100 मोदक सबके लिए? मूषक, नंदी, ब्रिंगी, अगम, बकम, सभी दम लगाकर दौड़ो। जो जीतेगा उसे मैं प्रतिदिन 5 लड्डू दूंगा। दौड़ो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी अगम? ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही चिपके रहते हैं। सही पकड़ा है तुमने नंदी। मैंने भी सही पकड़ा है इसे। ये तूने सही नहीं किया दुष्टासुर, इसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम? कैसा परिणाम? ये तो तुम्हें बग्गम भी बताएगा। शांत बग्गम, शांत। प्रभु, बग्गम अगम को मुसीबत में देखकर गुस्से में क्यों आ जाता है? इसके पीछे एक कहानी है। अगम और बग्गम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के माता पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। हे
मेरी मुर्गियों का पीछा कब छोड़ोगे? भागो! जाओ शैतानों, रुको! वाह, सब्जियां देखकर मुंह में पानी आ गया मित्र। तो सोच क्या रहे हो? आराम करो। अब तुम अपना कार्य आरंभ करो। अगम और बगम अपनी शक्तियों के साथ बड़े प्यार से जीवन जी रहे थे, किंतु उनके माता पिता के बीच महादेव के बड़े भक्त होने की होड़ लग गई और दोनों परिवार एक दूसरे के शत्रु हो गए। इतना ही नहीं, दोनों के माता पिता ने उन निष्पाप बाल मन में एक दूसरे के प्रति विष भर दिया। बोलो, रहोगे ना उससे दूर? जी पिताजी। चेतावनी है तुम्हें, आज के बाद तुम बग्गम से नहीं मिलोगे। जी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बग्गम। मैं संध्या काल में मैदान में आऊंगा, तुम मिलोगे ना मुझे वहाँ? तुम्हारे पिताजी ने सही नहीं किया अगम, वो मेरे पिता से बड़े महादेव भक्त नहीं है, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। बग्गम। इसी बीच असुरों की सेना ने गांव पर आक्रमण कर दिया। असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया, फिर क्या हुआ प्रभु? चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। मेरे समीप मत आना, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। बग्गम सुनो, मुझे बचाना चाहते हो? क्यों अगम? क्योंकि तुम मेरे अपने हो।
कुछ नहीं होने दूंगा। अगम, तुम ठीक हो ना? घायल अगम को बग्गम वैतराज के पास ले गया, जहां पूरे एक मास तक अगम का इलाज हुआ। और उस एक मास में बग्गम ने दिन रात अगम की सेवा की, उसकी कही हर बात का बारीकी से अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप वो अगम की नई भाषा सीख गया। मुझे क्षमा कर दो अगम, मेरी वजह से तुम्हारी जीवा को। और इस प्रकार अगम का निस्वार्थ प्रेम भाव देखकर बग्गम आत्मिक रूप से उसके साथ जुड़ गया। और तभी से अगम को मुसीबत में देखकर वो क्रोध में आ जाता है। उन दोनों की दुखद कहानी सुनने के उपरांत हम आत्मग्लानी हो रहे हैं प्रभु। ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है मूषक, मित्रों के हास परिहास मित्रता को बल प्रदान करता है। आप सही कह रहे हैं प्रभु, किंतु हमें अगम बग्गम से अपने व्यवहार की क्षमा मांगनी होगी, तभी हमें हमारी आत्मग्लानी से मुक्ति मिलेगी प्रभु। लो, आ गए वो दोनों, मांग लो क्षमा। क्षमा कर दो अगम बग्गम। ये आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिये, वो तो मेरा दास है, उसकी क्या मजाल कि वो मुझे रोक सके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या कारण? नंदी ने ये ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छूट गई जतन में। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छूट गई जतन में। माँ,
पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत होकर स्नान करें। रुकिए, क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। हट मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। यह असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु। अनर्थ, घोर अनर्थ, भगवान शंकर गुस्से में आकर अनर्थ कर रहे हैं। मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। रुको। पुत्र गणेश, आपको इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मार्ग से हट जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा, और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात हमेशा मानते हैं। द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान माँ का है, मैं नहीं हटूंगा। इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा, अन्यथा यदि भगवान शंकर क्रोधित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे दीक्षा मत दो बालक, हट जाओ नहीं तो। अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश में करने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ेगा, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। पुत्र का वध कर दिया? नहीं, पुत्र गणेश, ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया, और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे? किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। ये संभव नहीं है, मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, यदि समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा।
अरे मूर्खों, ये क्या लिया है? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला। हम उसका मस्तक ले आए हैं। उसका मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ। इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। से वरदान देता हूँ कि लोग युगों युगों तक इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वी वासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं। बदमाश, सारे मोदक तुम अकेले नहीं खा सकते गणेश। मुझे पता है माँ, आप गुस्सा नहीं हो, क्योंकि माँ का सुख बेटे के पेट भरने से ही होता है। कितना नटखट हो गया है मेरा गणेश। ये सब मुँह लटका के क्यों बैठे हैं? क्या हुआ दोस्तों, उदास क्यों बैठे हो? प्रभु, हम पुराने खेल खेल कर उकता गए हैं। कुछ नया खेलना चाहते हैं, किंतु समझ नहीं आ रहा कि क्या खेलें। समस्या तो गंभीर है। वाह, मिल गया नया खेल। तुम सब आसपास बिखरे फूल पत्ते उठा ले आओ, जल्दी। जुआ क्या प्रभु की? ये क्या है प्रभु? इसे गेंद कहते हैं। बाल श्री कृष्ण इसी तरह की गेंद से खेलते थे। अब हम खेलेंगे। मैं इसे उछालूंगा और तुम्हें इसे पकड़ना होगा। जो भी इसे पकड़ेगा वो इसे दोबारा उछाल देगा। समझ गए? समझ गए। तो ये गई गेंद हवा में। प्रभु, ये खेल तो बहुत मजेदार है। अब देखता हूँ कोई कैसे पकड़ेगा मेरी फेंकी गेंद को। आगम, गेंद तो बहुत बड़ी हो गई है। प्रभु, इस गेंद के आगे कोई आ गया तो वो मर भी सकता है। ये कैसा घोर अनर्थ कर दिया मैंने? मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। यही मेरी नियति है।
प्रभु उधर देखिए ऋषि मुनि। ऋषि आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ऋषि वर आप जानते बूझते मृत्यु के सामने क्यों खड़े हुए? मैं पापी हूँ प्रभु, मेरे साथ ऐसा होना ही सही है। मैं पूरी बात सुनना चाहता हूँ ऋषि वर। प्रभु भगवान शिव की पूजा के लिए मुझे सोने चांदी की आवश्यकता थी, जिसे पाने के लिए मैं राजा अमय के पास पहुंचा और वहाँ मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा ऋषिवर, किंतु आपको शिव की नहीं मेरी पूजा करनी होगी, मुझे अपना भगवान समझिए। क्षमा राजन, मैं ऐसा करके अपने शिव का अपमान नहीं कर सकता। तो जा पाखंडी, जाकर अपने शिव से ही सोना चांदी मांग, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। राजा अमय के वो कड़वे शब्द मेरे लिए असहनीय होते जा रहे हैं प्रभु, मैंने अपने शिव के लिए ऐसी बातें सुन कैसे ली। मेरे महादेव का अपमान मैं छोड़ूंगा नहीं उस राजा को। शांत नंदी, राजा अमय कोई दुष्ट पापी नहीं, वो अभी अहंकारी हुआ बैठा है, हमें तो बस उसके अहंकार को तोड़ने की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें ऋषिवर, आपकी पूजा होगी, वो भी राजा अमय के हाथों। तुम जीत गए अगम। जैसे कृष्ण भगवान ने गेंद से खेलते हुए कालिया नाग को मारा था, वैसे ही हम राजा अमर के अहंकार को भी मारेंगे। अब क्या करना है प्रभु? ये करना है, बोलो अलख निरंजन। अलख निरंजन। महामंत्री, आज भिक्षा मांगने कोई भिक्षु नहीं आया। अलख निरंजन। अलख निरंजन। आप महान है राजन, इधर आपने भिक्षा की बात की और उधर भिक्षुक आ गए। बोलो ऋषिवर, क्या मांगते हो? ऋषि मुनियों के आने पर पहले स्वागत होता है राजन, तुम तो भिक्षा देने की बात करने लगे। बेकार की बातों से समय नष्ट मत करो ऋषि, बोलो क्या मांगते हो? सुना है राजन, तुम अपने आप को भगवान समझने लगे हो, अपनी पूजा करवाना चाहते हो। सही सुना है। हम तुम्हारी पूजा करने को तैयार है राजन, किंतु एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको मेरे सर के इस एक बाल के वजन के बराबर सोना चांदी देना होगा और हमें भर पेट भोजन भी करवाना होगा, कहिए स्वीकार है? ओ ऋषि, मांगना ही था तो कुछ ऐसा मांगते जिससे तुम्हारा जीवन बदलता। महामंत्री, दोनों शर्तें पूरी की जाएं। तो प्रतीक्षा कैसी महामंत्री? सिक्का डालिए और बाल का वजन कर दीजिए। जी महाराज। क्या तुम लोगों को मोदक बनाने आते हैं? जी महाराज। तो बना कर लाओ पुत्र। जो आज्ञा ऋषिवर। मुझे तो गुड़ के लड्डू खाने हैं। मुझे तिल के लड्डू और मोदक खाने हैं। मेरे और इनके लिए भुजिया और आलू की सब्जी लाइए हलवे के साथ। और मेरे लिए वो सब लाइए जो सबने मंगवाया है। जो आज्ञा ऋषिवर। अधिक खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है नंद ऋषि। जब तुम्हारा पेट गड़बड़ करे तब बताना, वैद्य को बुला लेंगे। इससे भी बड़ा तराजू लाओ। जाने कौन ऋषि है ये, कितना खाते हैं? आज तो बुरे फंसे। राजकोष खत्म हो गया तो क्या हुआ राजन, अपनी राजगद्दी, आभूषण और इस मुकुट से भी तो तोल सकते हो मेरे बाल को। महामंत्री, राजगद्दी लाओ। जो आज्ञा प्रभु। अरे पुत्र, थोड़ा जल्दी जल्दी लाओ, भोजन कब का खत्म हो गया है। प्रभु, ऋषि के बाल वाला पलड़ा तो ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहा। उठ जाएगा मंत्री जी, उठ जाएगा। राजन की पत्नी के गहने जो बचे हैं, ले आओ। क्यों ऋषिवर? अब मैं क्या कहूँ नंद ऋषि, ये जाने और इनका काम जाने। महामंत्री, हमें यहाँ क्यों बुलाया है महाराज? रानी, हमें आपके आभूषण चाहिए। किंतु परंतु का समय नहीं है रानी, आप आभूषण दीजिए।
लगता है ऋषियों का पेट भर गया, तभी तो डकार ले रहे हैं। और लाओ पुत्र, हमें भूख लगी है। हे भगवान, अब कहाँ से लाऊं इनके लिए भोजन? प्रभु, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची, तो अब इस बाल का वजन कैसे होगा? महाराज, एक समस्या और है। इन साधुओं ने सारे अन्न भंडार चट कर दिए हैं, किंतु इनकी भूख शांत ही नहीं हो रही है। प्रभु, मुझे लगता है हमें प्रजा से धन और अन्न की वसूली करनी चाहिए। ये प्रजा के साथ अन्याय होगा महामंत्री। ये अन्याय नहीं प्रभु, एक राजा का अपने राज्य के प्रति कर्तव्य होगा। इन ऋषियों के अपमान से बचने का अब यही एक तरीका है प्रभु। ठीक है महामंत्री, वसूली कीजिए। जी महाराज। प्रजा का धन भी चढ़ गया, किंतु बाल का वजन नहीं हुआ। अब क्या करूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। राजन, साधुओं के भेष में अवश्य कोई दिव्य शक्ति है जो आपकी परीक्षा ले रही है। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, इनसे क्षमा मांग लीजिए। रुक क्यों गए पुत्र, भोजन लाइए, साधु भूखे हैं। हाँ, भूखे हैं, भोजन लाओ। क्षमा करें प्रभु, प्रजा से लाया अन्न भंडार भी खत्म हो चुका है। क्या हुआ राजन, तुम तो भक्तों को भरपेट भोजन भी नहीं करवा सकते, कैसे भगवान हो तुम? क्षमा, क्षमा करें प्रभु, मैं अहंकार में आकर ये भूल कर बैठा। आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं, मुझे अपना परिचय दे प्रभु। क्या कहते हैं ऋषि भाइयों? प्रभु ये कह रहा है कि जैसी आपकी इच्छा। बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। राजन, यदि तुम अहंकार से दूर रहना चाहते हो तो अपने चारों ओर सच्चे मित्रों और सच्चे सलाहकारों को जगा दो, चापलूसों को नहीं। मैं अपनी भूल सुधारूंगा प्रभु, और अपनी प्रजा से माफी मांगते हुए उनका धन लौटा दूंगा, और जिन ऋषिवर को पूजा के लिए मना किया था उनकी पूजा भी करवाऊंगा। किंतु भगवान, जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वो सब तो आपने खत्म कर दिया, तो अब मुझ पर इतना झूठा दोष मत लगाइए माते, मैं दोषी नहीं हूँ। महाराज, महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया, अन्न के खाली भंडार यकायक भर गए। बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय।